है सेटअप देखो, एक मिनट जाली नहीं लगा हुआ, पूरा जाली खुला हुआ है, हर एक स्पीकर दिख रहा है और सारे के सारे मेरे हिसाब से 21 इंच का स्पीकर है, 21 इंच का स्पीकर है और शायद ऊपर में जो लगा है शायद वो 18 इंच वाला है, लेकिन ऊपर में दो लाइन है 21 इंच सॉरी 18 इंच वाला और बाकी जितना सारा है सारे के सारे 21 इंच का स्पीकर है। और मैं बता दूँ ये सारे के सारे 2500 वाट से भी ज़्यादा होगा इसका वाटेज मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ और देखा भी हूँ सामने से, तो इसका वाटेज उससे ज़्यादा ही होगा। और इधर लाइनरी भी है, ये धड़कन डीजे है, ये धड़कन लिखा है देखो, ये धड़कन डीजे का सेटअप है और ये अभी बांध रहे हैं, बांधने का काम चल रहा है और इसका तगड़ा रिजल्ट होगा ये तो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये 21 इंच का स्पीकर है और इसको देख के ही ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई दम होगा इसमें। और चारों तरफ ये ट्विटर रखा हुआ है देखो, बहुत सारा ट्विटर है चारों तरफ और एक सेटअप का कितना सारा सामान है देखो, एक सेटअप का सामान है ये धड़कन डीजे का, बैक साइड से देखो कितना बड़ा सेटअप लगाया है और इस कावड़ी मेला में देखो कितना सारा सेटअप, मतलब एक एक सेटअप में कितना बॉक्स है देखो, पीछे से गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 लगाया और ऊपर से 1 2 3 मैं एक बार गिन के सामने से बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ये हो जाएगा आप लोग देख ही लो कितना सा बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर में 5 6 30 लगाया, तो 30 पीस बॉक्स लगा दिया अभी भी और साइड में भी लगेगा, कितना सारा बॉक्स अभी पड़ा हुआ है देख सकते हो, तो ये सारा बॉक्स भी लगेगा और ऊपर में भी होगा, तो ऊपर में भी है देख सकते हो। और ट्विटर रैक जो है ना वो साइड में ऊपर में भी पड़ा हुआ है और साइड में भी पड़ा हुआ है, मैं देखा हूँ तो ये यहाँ पर भी है और इसका अंदर प्रेशर मीट भी लगा हुआ है कुछ कुछ में और लंबा लंबा है देख लो, हमारे यहाँ पर जो होता है वो अलग है और यहाँ का है अलग और कभी बार काम किया है इसीलिए ये घिस चुका है पूरा का पूरा। और बेस्ट अल्ट्रा का ये लाइटिंग है, सुपर लाइटिंग, तो ये है लाइटिंग, लाइटिंग का डब्बा है पूरा और स्टैंड का भी है कुछ सामान, मैं तो दिखा दिया। और कितना सारा बॉक्स पे इधर रखा हुआ है देखो, JBL स्टाइल का बॉक्स कितना सारा है, तो ये सारा लगेगा एक सेटअप में, अब बताओ कितना बड़ा सेटअप है और कितना सारा सामान लगेगा एक सेटअप में। और इधर भी है एक नंबर वन धड़कन गुज्जर और इस सेटअप को चलाने के लिए धड़कन डीजे को यहाँ पे आ गया 2 DG, तो 2 DG में हो जाएगा मेरे हिसाब से, 2 63 वाट का 2 है मतलब 125 KV के हो जाएगा, 125 से भी ज़्यादा होगा शायद, वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और ये हाँ एक बड़ा है एक छोटा है, 1 63 और 1 83 KV का हो सकता है दोनों के अंदर अंदर, लेकिन एक बड़ा वाला है और इसमें कम चल जाएगा मेरे हिसाब से ऐसे ही लग रहा है। और चारों तरफ देखो कितना भोले है, चारों तरफ एकदम भोले के जो भक्त है वो चारों तरफ एकदम भरा हुआ है चारों तरफ है। और ऊपर में देखिए ये है टोल गेट और उसके नीचे देखिए कितने भोले के भक्त है जो जा रहे हैं सब पानी लेके, तो ये सारे सब है चारों तरफ एकदम नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है एकदम। इसका जो टोल गेट का जो 2 गेट है, 2 नहीं 3 गेट पूरा एकदम बंद कर दिए हैं और यहाँ पर है DJ सेटअप और चारों तरफ है कुछ नज़ारे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गर्मी बहुत तेज़ है भाई, गर्मी इतना गर्मी है कि बताओ मत, ये मीराट का सेटअप है तो मीराट ऊपर में लिखा हुआ है कपिल नंबरदार, तो ये है एक साउंड सिस्टम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये है देखो गौतम, तो ये है गौतम DJ और इधर भी एक है अंश DJ विस्तार, यहाँ पे भी एक है DJ सेटअप तो देख सकते हो यहाँ पे DJ सेटअप जो है, और ये देखने में छोटा है लेकिन धमाका है बहुत ज़्यादा धमाका है, इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत लाउड है क्या बताएं, जो सुने हैं सामने से वो जानते हैं। और चारों तरफ अगर देखा जाए उधर भी एक साउंड सिस्टम है और इधर भी है और सामने तो बहुत सारा है कि कितना बताऊँ। और देखो इधर महादेव को कैसे सजाया है और इसको भी खींच के लेके जाएगा गाड़ी के सहारे, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखो कितना बड़ा साउंड सिस्टम है और भोले के भक्त देखो इतना भारी भारी कावड़ लेके जा रहे हैं, मतलब कैसे लेके जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन
महादेव की आशीर्वाद से लेके जा रहे होगे। और इसके साथ साथ मैं साउंड सिस्टम में आप लोगों को दिखा देता हूँ, कितना बड़ा साउंड सिस्टम है। देखो डीजी सामने रखा हुआ है, इसी डीजी से ये ऑपरेट होगा, इसी डीजी से चलेगा। और इसका भी बहुत सारा बॉक्स अभी ऊपर में जाएगा। और ये सजाने में थोड़ा उल्टा हो गया शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि नीचे छोटा बॉक्स हो गया, ऊपर में बड़ा हो गया, तो देखने में और सजाने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। बीच में रैक भी घुसा दिया, मतलब ट्विटर को भी घुसा दिया। तो जैसे भी हो, रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी तगड़ा रिजल्ट है सारे के सारे। और ये लाइटिंग का है पूरा, एकदम पैंथर का देख सकते हो, पैंथर कंपनी का है। और ये पूरा चारों तरफ एकदम लाइटिंग भरा पड़ा है। देखो कितना सारा मशीन है, मतलब एम्पलीफायर है, बहुत सारा सेटअप है, चारों तरफ बिखर के पड़ा हुआ है। और एक एक करके सब रेडी हो रहा है, और जो चेकिंग हो रहा है उसके बाद वो यहाँ से निकल जा रहा है। कोई कोई रुक भी रहा है, क्योंकि बहुत सारा सेटअप है, छोटे बड़े बहुत सारा सेटअप है चारों तरफ। इधर भी एक देखो, ये प्रिंस है, हमारा यहाँ का प्रिंस नहीं है, लेकिन ये प्रिंस है, मिराट का प्रिंस है ये। लुक अच्छा लग रहा है देख के। और ये भी रेडी हो गया होगा, और ये शायद से चेकिंग होगा, क्योंकि डीजी का अभी काम चल रहा है, और उसके बाद ही ये चल हो जाएगा। और आगे एकदम चारों तरफ जो डीजे था एकदम भरा पड़ा है। जिस इधर देखूँ उधर ही एकदम भरा पड़ा है चारों तरफ। इतना डीजे है कि मैं गिन भी नहीं सकता, और गिन के भी पता भी नहीं सकता, चारों तरफ भरा पड़ा है। देखो देखते जाओ और गिनते जाओ कितना सेटअप मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इधर कितना सारा है। और इधर मानने का काम चल रहा है अभी भी, मतलब काम हो रहा है अभी, तो इसका भी काम अभी हो रहा है। और इसका लाइनर सामने से बांधा हो, काम चल रहा है अभी। और ये साइड से बेस भी लग गया, और इधर भी एक सेटअप है, जिया भी एक सेटअप है, ये बड़ा वाला सेटअप है। और सोनू रिजा भी आ रहा है, तो कितना लीटर पानी लेके जा रहे हैं, 30-40 लीटर पानी लेके जा रहे हैं, 30-40 लीटर कितना भारी है बताओ, 40 लीटर कांधे में लेके जा रहे हैं। और इस भाई का तो ये तो उससे भी ज्यादा होगा सर, भी कभी से कितना लाओगे देखो।